शिव प्रेमी निकले भी है, और इधर ये आने के बाद ये जो उसके बाद जो घटना होगी, फिर आयुक्त जी की गाड़ी भी फूटेगी, बंगला भी फूटेगा, आयुक्त जी भी फूट सकते हैं, क्योंकि ये शिव प्रेमी का उद्रेक है। तो ये अपमान जो किया है आयुक्त जी ने, हमारा अपमान नहीं किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, और वो हम लोग सहन नहीं कर सकते। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। मीरा भाईंदर शहर में दो ऐतिहासिक किले है, एक भाईंदर पश्चिम के उत्तर स्थित जंजीरे धारावी किला, दूसरा किला है गोड़बंदर स्थित। इस गोड़बंदर किले पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम किया जाए प्रशासन द्वारा, इस तरह की मांग को लेकर आज गढ़ किला प्रेमी आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम बताइए सर, आज क्या मुख्य मांग है आपकी? मेरा नाम श्रेयस सावंत है, और हमारी क्या ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, खाली तीन ही मांग है कि ये घोड़बंदर किले पे सुरक्षा रक्षक रहने चाहिए, CCTV कैमरे होने चाहिए, और जो कोई ये अश्लील कृत्य करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा चरस पीते हैं, उनके ऊपर कठोरात कठोर कार्रवाई, फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो कोई उधर ये चीज़ें करते हुए पकड़ा जाए, तो उसके बाद में पकड़ा जाने के बाद कार्रवाई होने के बाद ये दोबारा ये बात होनी नहीं चाहिए, जन जागृति होने के लिए यही हम मांग लेके आयुक्त के पास गए थे और निवेदन देने के लिए, और कोई पूरी चीज़ न देखे हुए बोलते हैं कि आंदोलन करो, इसके लिए हम लोग इधर आंदोलन में बैठे हैं। और ये जो आयुक्त जी का ये जो बर्ताव, जो गलत बर्ताव जो है, वो तो हम लोग कौन सा हमारा निजी काम लेके नहीं गए थे कि हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, गटर पे ढक्कन नहीं है, ये लेके नहीं गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला है मीरा भाईंदर में, घोड़बंदर किला, ये घोड़बंदर किला महानगर पालिका ने संगोपन के इसमें दत्तक स्वरूप में लिए है, तो दत्तक स्वरूप में लिए है तो वो बच्चे का सब कुछ अपने देखना चाहिए ना कि उधर क्या होता है क्या नहीं है। आज किले में उत्खनन का काम चालू है, एक नीचे खोली मिली है, उसके आगे एक खोली मिली है, ये महाराष्ट्र शासन ने जो पुरातत्व विभाग से आए थे उन्होंने पूरा किला खोदने के लिए लगाया है, उसमें कोई चीज़ें मिलती है जूनी, 500-600 साल पुरानी तलवार मिलती है, तोप गोली मिलती है, तोहफे मिलती है, और उधर सुरक्षा रक्षक न होने के कारण ये परस्पर ये सब चीज़ें बाहर गई, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, मीरा भाईंदर की प्रॉपर्टी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है, वो ऐसे किधर भी जाए तो ये गैर व्यवहार उधर हो सकता है। और ये जो हमको चीज़ें 14 अगस्त को मिली, दारू की बोतलें मिली, गांजा चरस के पैकेट मिले, शर्मनाक बाब है कॉन्डम का पैकेट भी मिला है हम लोग को, ये वो भी यूज़ किया हुआ है, ये हमको बोलने के लिए भी शर्म आती है ये आंदोलन के जगह पे। और यही हम लोग उठा के आयुक्त जी के टेबल पे रखने के लिए गए जाते थे तो फिर क्या होता था? ये जो गलत बर्ताव है आयुक्त जी का, ये जो घमंड है ना, ये बहुत बेकार घमंड है, और उनको मालूम नहीं है शिव प्रेमी क्या रहता है। आज हम लोग इधर आंदोलन के लिए बैठे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इधर से हम लोग महानगर पालिका भी जा सकते, और हमारी ये जो आंदोलन ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। आज सुबह से हम लोग को सातारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, ये जगह से हम लोग के जो शिवप्रेमी संगठन है, दुर्गा संवर्धन संगठन है, ये सब लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो लोग सातारा सांगली से कोई आदमी लोग निकले भी है, शिवप्रेमी निकले भी है, और इधर ये आने के बाद ये जो उसके बाद जो घटना होगी, फिर आयुक्त जी की गाड़ी भी फूटेगी, बंगला भी फूटेगा, आयुक्त जी भी फूट सकते, क्योंकि ये शिव प्रेमी का उद्रेक है। तो ये अपमान जो किया है आयुक्त जी ने, हमारा अपमान नहीं किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, और वो हम लोग सहन नहीं कर सकते। सावन जी, कितनी दुखद बात है कि किले के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। वही तो शर्मनाक बात है जो दत्तक स्वरूप में आप कौन सी चीज़ लेते हैं तो उसका सब कुछ संगोपन, संवर्धन, सुशोभीकरण ये आपकी जिम्मेदारी है, और इसके उधर ये जो आपका ध्यान नहीं है, आपके अपने जो लड़का लिया है दत्तक स्वरूप में उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, और उधर ये चीज़ें होती है वो हम नहीं सहन कर सकते, तो पालिका ये कौन सी चीज़, ये जो जिम्मेदारी है वो नहीं ले सकती, तो आयुक्त जी ने अपनी कुर्सी खाली कर दीजिए और ये मीरा भाईंदर में से निकल जाइए, वो आप किधर भी जाइए, संन्यास ले लिए, हम लोग को उसमें कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन ने नोटिस वगैरह भी दिया है कि? पुलिस प्रशासन ने नोटिस दिए है जमावबंदी की। दो हफ्ते पहले कोई राजनीतिक पार्टी से पुलिस स्टेशन के सामने अर्धनग्ना आंदोलन होता है, तब आपकी नोटिस किधर जाती है? महानगर पालिका के सामने दो हफ्ते पहले
श्रमजीवी संगठन के माध्यम से अर्धनग्न आंदोलन होता है, उधर सैकड़ों कामगार उधर खड़े रहते हैं, तब आपका किधर जाता है ये नोटिस? इधर शिवप्रेमी एकदम सादे स्वरूप में से इधर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको क्या हुस्काने का काम आप कर रहे हैं क्या? तो आपकी वैसी मांग, मतलब ये ऐसा आपका काम रहेगा तो वैसा बताओ। हम शिवप्रेमी क्या है वो रस्ते पे भी आके दिखा सकते हैं क्या है नहीं, तो क्योंकि हम लोग 10 साल से मीरा भाईंदर में गढ़ किले संवर्धन का काम कर रहे हैं, जंजीरे धारावी किले का काम कर रहे हैं, घोड़बंदर का काम कर रहे हैं। ये हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसके पीछे, हम लोग ये राजनीतिक लोग नहीं है। हम लोग को कौन से चीज़ का फ़ायदा हो रहा है और हम लोग आंदोलन पे बैठे, तो पुलिस प्रशासन और पालिका प्रशासन को हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो सादे रूप में हम लोग को आंदोलन करो, हमारी मांगे है वो पूरी करो, ना कि हमको हुस्काओ। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के आयुक्त का निषेध करता हूँ कि श्रेयस सावंत और हमारे कुछ शिष्टमंडल वहाँ पे गए थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। जो गढ़ किले है, घोड़बंदर का जो गढ़ किला है, वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उसको उधर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, गंदी हरकत वहाँ पे हो रही है। उसका लेटर देने के लिए वहाँ पे गए, वहाँ पे देने के बाद में लास्ट में पढ़ने के बाद में अगर ये नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, वो खाली पढ़ने के बाद में बोलते आप आंदोलन करो फिर अपन देखेंगे अगर। तो मुझे लगता है ये मस्ती है, ये अपने जो आयुक्त साहब का मस्ती है, आईएएस ऑफिसर है, बुरा लग रहा है। आज उनकी जो पदवी है, आज आईएएस ऑफिसर है, तो मुझे लगता है अगर इनके तरफ से अगर बहुत बड़ी आशा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्होंने अगर उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया, 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज हो या सिक्योरिटी हो, तो मुझे लगता है शिवाजी महाराज के नाम से इन्होंने शपथ ली है, शिवाजी महाराज के नाम से बहुत बड़े दावे ये लोग कर रहे हैं, शपथ लेते और संविधान के माध्यम से शपथ लेते, तो ये मुझे लगता है ये विटंबना है अपने मीरा भाईंदर की। जो वास्तु आज शिवाजी महाराज ने यहाँ पे अपने को दी है उसकी विटंबना है, और शिवाजी महाराज के जो भी अनुयायी है हम लोग ये सहन करेंगे नहीं, इनको जैसा का जैसा सवाल जवाब हम लोग करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनको चार पाँच पाँच अपने सिक्योरिटी दी है, दो सिक्योरिटी अगर उनमें से कम, उनको कौन मारने वाला है? भ्रष्टाचार अधिकारी को कौन मार रहा है फालतू में? उसको खाली शाइनिंग के लिए उसको आप दो चार सिक्योरिटी दे रहे हो, तो ये भ्रष्टाचार अधिकारी देने से कोई गढ़ किले अगर आप सुरक्षित रखेंगे, जो प्रतीक है अपना मीरा भाईंदर का प्रतीक है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम जिनका दिखता था, लेकिन उनका कोई इंटेंशन दिख नहीं रहा है। आज भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने लेटर किसी को भेजा, जो थर्ड ग्रेड के जो भी सेकंड ग्रेड के जो कर्मचारी उनको यहाँ पे लेटर लेके भेजा था, तो विटंबना है, मतलब आप गुनाह आप करने का और दूसरा कोई जाके उधर लेटर देगा, ये गलत बात है। मुझे लगता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त का निषेध करते, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऐसे ही अगर यहाँ पे उन्होंने 149 का नोटिस दिए ये जमावबंदी का, तो ये जमावबंदी का आदेश को तो हम लोग देखते नहीं होते, ऐसे बहुत हमारे पास आते आदेश वगैरह। शिवप्रेमी है, कल आज तो मीरा भाईंदर के लोग यहाँ पे बैठे, कल सातारा कोल्हापुर पूना नासिक से सब अगर इधर आएंगे और लॉ ऑर्डर कुछ खराब होता है तो उसकी पूर्ण जवाबदारी ये आयुक्त की रहेगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मीरा भाईंदर महापालिका में दो किले, उसमें से एक किले की हालत बहुत ख़राब है। जब हम 14 अगस्त 2024 को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, वहाँ सिगरेट पान बीड़ी गुटखा चरस गांजा यहाँ तक कि कॉन्डम के पैकेट्स मिले हैं वहाँ, तो ये देखकर हमारे स्थानिक पदाधिकारी और किले के गढ़प्रेमी शिवभक्त सब नाराज हुए। हमने 16 तारीख को कमिश्नर जी को निवेदन दिया और उनसे मांग की कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी लगाइए, तो बल्कि उन्होंने हमको कहा कि आंदोलन कीजिएगा, तो हम लोग उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने हमको कहा आंदोलन कीजिए, हम आंदोलन में बैठे। हमने इसका बाकायदा महापालिका में मंडप की परमिशन ली, मंडप का जो भी फीस होता है वो भी भरा, पुलिस स्टेशन से भी परवानगी ली और पुलिस स्टेशन को सूचित करके हम यहाँ पर बैठे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम 168 का हमारे पदाधिकारियों में से एक मुझे और हमारे अध्यक्ष को, दोनों को उन्होंने नोटिस दिया। इस तरीके की नोटिस देकर हमारे पर कोई भी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश करेंगे, हम उनके दबाव को बिल्कुल झुकने वाले लोग नहीं है। हम शिव भक्त हैं, हम शिव प्रेमी हैं, हम घोड़बंदर के किले के ऊपर हो रहा अन्याय के खिलाफ ये हमारा आंदोलन है, ना कि हमारा किसी कोई निजी स्वार्थ है। देखिए, प्रशासन की भूल होगी अगर किसी को दबाने की कोशिश करते, हम लोग ठेकेदार नहीं है। हम लोग आपके जन्मदिन पर आपको शुभेच्छा दी है और हमने मांग की किले को स्वच्छ रखो, वहाँ सुरक्षाकर्मी रखी है, क्योंकि वो किले को खोदकाम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उधर नया नया मिल सकता है। ऐसे समय पर वहाँ पर सीसीटीवी होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। एक किले के लिए आप कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते कि हर शिफ्ट में 2 सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, टोटल 6 सिक्योरिटी होगी, और अभी आप केवल 2 सिक्योरिटी गार्ड रख लें 12-12 घंटे का। उल्टा हम लोग अभी तक चुप है,
हम लोग गढ़ प्रेमी चुप है, वरना हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आदेश का आपने उल्लंघन किया, चीफ सेक्रेटरी के आदेश का उल्लंघन किया, हम आपके खिलाफ़ वापस कोर्ट में जा सकते और जाएंगे भी ज़रूरत पड़ी तो। शिव भक्तों को, गढ़ प्रेमियों को दबाने की कोशिश काटकर सब मत कीजिएगा, वरना आपको कुर्सी छोड़ के शहर छोड़ कर भागना पड़ेगा। एक दिन रातों रात में पता चला सुबह में आप मीरा बंदर में आना ही छोड़ दिए और कहीं और चले गए आप।